नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडर्स पॉलिनोमियल पीएनएक्स पर चर्चा करने वाले हैं। लीजेंडर्स पॉलिनोमियल वीडियो सीरीज में रिकरेंस रिलेशन पर ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन पर चर्चा किया था और हम लोगों ने इसको डेवलप किया था 2n + 1x pnx इज इक्वल टू n + 1 pn + 1x + n pn - 1x। तो हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी डेराइव कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड रिकरेंस रिलेशन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसको डेराइव करेंगे यहाँ पर npnx इज इक्वल टू x p'nx माइनस p'(n-1)x। तो आज हम लोग इस रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकरेंस रिलेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। pnx और जेनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर्स पॉलिनोमियल pnx जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हम लोग उसको पढ़े हैं। pn z⁴ समेशन ओवर n = 0 to infinity इज इक्वल टू 1 - 2xz प्लस z² to the whole power -1/2। ये लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का जेनरेटिंग फंक्शन है। इससे हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को जेनरेट करते हैं एंड हेंस दिस इज कॉल्ड द जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। हम लोग क्या करें, इसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लें, सपोज इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to z, we get तो ये तो x का पॉलिनोमियल है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। z⁴n को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n, ये एज इट इज रह जाएगा। z⁴n - 1 समेशन बिलोंग्स टू n = 0 नहीं होना चाहिए, अब n = 1 हो जाना चाहिए क्योंकि z⁴n - 1 हो गया है। अगर हम लोग n का वैल्यू 0 ले लें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा -1/2 1 - 2xz प्लस z² to the power -3/2 -1/2 -1 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से, एंड -2xz प्लस z² को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0, -2xz को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और z² को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा +2z। यहाँ से हम लोग -2 को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस चूँकि कॉमन ले चुके हैं तो x माइनस z यहाँ पर बच जाएगा। ये तो एज इट इज इसको रहने देते हैं हम लोग। समेशन ऑफ npnx z⁴n - 1 समेशन ओवर n = 1 to infinity इज इक्वल टू, ये -1/2 इसके -2 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे हो गया x - z, चूँकि माइनस भी कॉमन निकाला जा चुका है तो x पॉजिटिव हो जाएगा एंड z नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया x - z। और इस टर्म को हम लोग एज इट इज रहने दें, 1 - 2xz प्लस z² to the power -3/2। इसको हम लोग एक इक्वेशन सपोज 2 कंसिडर कर लें। अब हम लोग इक्वेशन 1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, बट दिस टाइम वी आर गोना डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इस बार ये pnx डिफ्रेंशिएट हो जाना चाहिए और ये जेड एन कॉन्स्टेंट के रूप में बिहेव होगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पी एन एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया पी प्राइम एन एक्स एंड ये जेड टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1/2 बाहर और ये हो गया 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 और 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का वैल्यू जीरो हो गया और -2x जेड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2z जेड स्क्वायर का वैल्यू जीरो। यहाँ से -2 और यहाँ से -1/2 ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो हम लोगों के पास में बचेगा समेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पी एन एक्स जेड टू द पावर एन समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 0 to infinity इज इक्वल टू -1/2 एंड -2, दीज विल कैंसिल ईच अदर, तो बच जाएगा जेड और यहाँ पे हो गया 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। और यहाँ पे इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में x माइनस जेड है और 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 है, तो ये टर्म तो हम लोगों का आ चुका है, 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 तो हम लोगों ने ले आया है। x माइनस जेड अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से ले आए, और किसी तरीके से क्या एक ही तरीका होगा कि दोनों तरफ हम लोग x माइनस जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यदि हम लोग x माइनस जेड से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड हम लोग इसको यूज कर पाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को x माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x minus z, we get, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम लोग x minus z से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x minus z समेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पी एन एक्स जेड टू द पावर n समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 to infinity इज इक्वल टू z इंटू एक्स माइनस जेड इंटू 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। और अब हम लोग इक्वेशन 2 को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में ये वाला टर्म है, तो जेड के बाद का जितना टर्म हम लोग के पास में बच रहा है वो सारा चीज़ हम लोग का इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में है एंड हेंस वी कैन यूज दिस टर्म इंस्टेड ऑफ एक्स माइनस जेड, 1 - 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2। सो यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, so we can write above equation as x minus z summation of first derivative of p and x z to the power n over n is 0 to infinity is equal to z, and this term will be used instead of x minus z 1 - 2x z plus z square to the power -3/2 z, and यहाँ नीचे लिखते हैं into summation of n p and x z to the power n - 1 n is equal to 1 to infinity। और इसको हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और फिर -z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लें, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x समेशन के अंदर लिख लें x p प्राइम एन एक्स जेड टू द पावर n, n इज फ्रॉम 0 to infinity माइनस, अब हम लोग z को यदि मल्टीप्लाई करें तो z टू द पावर n है और यहाँ पे z टू द पावर 1 है, तो ये z टू द पावर n + 1 हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ p प्राइम n of x z to the power n + 1 n is from 0 to infinity। और राइट हैंड साइड में भी z को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो z का पावर 1 से ये इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे z का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा z to the power n - 1 + 1 यानी कि z to the power n - 1 + 1 will be cancelled। तो ये n इज इक्वल टू 1 से अब ये घट करके n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है बिकॉज z टू द पावर n हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ n pn ऑफ x z टू द पावर n वेयर n इज नाउ फ्रॉम 0 to infinity। अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों साइड्स में LHS एंड RHS में z टू दी पावर n के कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर लें, देखते हैं क्या मिलता है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ z टू दी पावर n फ्रॉम बोथ साइड्स। वी गेट, तो z टू दी पावर n का कोएफिशिएंट तो यही है x p प्राइम n x, x p प्राइम n x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म है यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ पे ये टर्म है z टू दी पावर n प्लस वन और हम लोगों को चाहिए z टू दी पावर n का टर्म, तो यानी कि n का z का वैल्यू एक टर्म पहले वाला लेना है, तो n प्लस वन है, इससे एक टर्म पहले वाला वैल्यू n माइनस वन होगा, यानी कि जहाँ कहीं भी n है उसके जगह में n माइनस वन हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर भी n माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर भी n माइनस वन हो जाएगा, तो इससे जस्ट पहले का टर्म जो होगा वो हो जाएगा p प्राइम n माइनस वन। ये हो गया p प्राइम n माइनस वन ऑफ x इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये तो z टू द पावर n ही है, तो ये हो गया n p n x, और शायद यही था हम लोग का, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफर है। और एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी प्राइम एन एक्स माइनस पी प्राइम एन माइनस वन ऑफ एक्स, एंड हेंस वी गॉट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो यही हम लोग को रिकरेंस रिलेशन में आज प्रूव करना था, एंड हेंस वी हैव डिराइव्ड आवर रिजल्ट। और कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये x यहाँ पे देखने को ना मिले, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, n पी एन इज इक्वल टू एक्स पी प्राइम एन माइनस पी प्राइम एन माइनस वन। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको लेकर के चला है कि ये पी एन एक्स है, एक्स का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि एक्स का पॉलिनोमियल है या किसका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने एक्स को दिखाया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। व्हाट इफ एक्स इज नॉट रिटन हियर, अगर एक्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोगों को इससे पहचानना है कि ये किसका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक्स है, इट क्लियर्स आउट दैट दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उसी के रिस्पेक्ट में आपको ये पॉलिनोमियल को कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे x है तो आपका ये x का पॉलिनोमियल है, वट एवर द अल्फ़ाबेट इज रिटन हियर, आपको यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट नजर आएगा ये पॉलिनोमियल उसी का होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे z है तो आप इसमें z लेंगे, और इस z के जगह में फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, इस z के जगह में आप कोई दूसरा अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, t लेंगे, k लेंगे, कुछ भी दूसरा भी ले सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी नज़र आ सकता है। तो आज हम लोग यही सेकेंड रिकरेंस रिलेशन को सिर्फ करते हैं, एक एक करके हम लोग रिकरेंस रिलेशन को देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला रिकरेंस रिलेशन को डिराइव किया था, आज हम लोगों ने सेकेंड को किया है। इस तरीके से हम लोग बाकी और चार जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग एक एक करके छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, प्रैक्टिस कर सकें। होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।